राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने धमकी दी है 16-17 नवंबर को बम से उड़ाने की धमकी के बाद अब अलर्ट जारी किया गया है। राम जन्मभूमि समेत अयोध्या की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पन्नू ने धमकी दी है, राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने धमकी दी है। और सबसे बड़ी बात है, दो तस्वीर आप देखिए, एक तरफ राम मंदिर जहां पर निर्माण कार्य लगातार चल रहा है और उद्घाटन 2023 में हुआ था, 24 में हुआ था, माफ कीजिएगा। और इसके बाद अब हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो सुरक्षा को लेकर है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी पन्नू के द्वारा दी गई है, खालिस्तानी आतंकी के द्वारा दी गई है, जिसको लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की मौजूदगी की गई है और ज़्यादा एहतियात बढ़ता जा रहा है ताकि इस धमकी को सीरियस लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर तमाम एजेंसियां लगातार अलर्ट मोड पर आ गई हैं। आदर्श सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, ज़रा जानकारी के लिए। आदर्श, पन्नू के द्वारा ये धमकी दिया जाना अपने आप में बड़ा मामला बन जाता है, धमकी के बाद क्या हो रहा है, कैसे ये धमकी दी गई, पूरी खबर क्या है, विस्तार से बताइए। धमकी देने के बाद जो है, जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं अलर्ट पर हैं, खासतौर पर यूपी पुलिस के जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है, सघन चेकिंग भी की जा रही है। इसके साथ जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पर वाहनों को रोककर और बाहरी लोगों से उनके आईडी कार्ड के साथ पूछताछ भी की जा रही है। कुल मिलाकर कोशिश यह है कि इस धमकी को भी उसी तरीके से गंभीरता से लिया जाए और एक तरीके से जांच के बाद तय हो पाएगा कि आखिर क्या मामला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आदर्श हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।